पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत हिंदी के प्रमुख कवि एम पी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ आज के अंक में कलकत्ता अधिवेशन के बाद क्या हुआ अब हम जानेंगे कलकत्ता अधिवेशन में तिलक ने असहयोग आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी परंतु नरमपंथी का बहुत बड़ा गुट उनके आंदोलनकारी कदमों का विरोध करता रहा और तिलक को पूरा समर्थन नहीं मिला इसके ठीक 14 वर्ष बाद 1920 में महात्मा गांधी ने इसी रूपरेखा पर आधारित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल भी तिलक ने ही की थी 1905 में नागरी प्रचारणी सभा के सम्मेलन में भाषण करते हुए तिलक ने कहा कि एक सामान्य लिपि किसी भी आंदोलन का अंग है यदि आप राष्ट्रभाषा में एकता लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक भाषा के व्यवहार से अधिक कोई शक्तिशाली और वस्तु नहीं है मध्य निषेध आंदोलन को भी तिलक ने आगे बढ़ाकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था जब वे मुंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए तो तब भी से उन्होंने मद्य निषेध में रुचि लेना आरंभ कर दिया था भारत में शराब का प्रचलन अंग्रेजों ने ही किया था भारतीय समाज और संस्कृति को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली शराब के व्यापार से अंग्रेजों को भारी रजस्व प्राप्त होता था अतः उन्होंने शराब के उत्पादन और प्रचलन के लिए आबकारी नीति का निर्माण किया था तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में तथा पूरे देश में शराबबंदी के लिए आंदोलन छिड़ गया इसके कारण देश भर में शराब की बिक्री पर बुरा असर पड़ा महाराष्ट्र में तो शराब की दुकानें ही बंद हो गई बहिष्कार और मध्य निषेध आंदोलनों ने सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया। इन दोनों आंदोलनों से इन दोनों आंदोलनों से सरकार इतनी आहत हुई कि उसे तिलक को जन आंदोलन से हटाने के बारे में सोचने पड़ा मध्य निषेध आंदोलन के दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं को सीधी मुठभेड़ हो जाती थी कार्यकर्ताओं को पुलिस के हाथों चोट सहनी पड़ती थी मध्य निषेध आंदोलन चलाने के लिए 1907 में पुणे में टेम्परस एसोसिएशन का गठन किया गया था बाल गंगाधर तिलक इस एसोसिएशन के अग्रणी सदस्य थे गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे शराब विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए तिलक ने कहा था युवक शराब का विरोध करके जेलों को भरने के लिए तैयार हो जाए मद्यपान के प्रति हमारे मन में इतनी तीव्र घृणा होना चाहिए कि उसके कारण जेल जाना पड़े तो कारावास हमें जान पड़े सत्ताईस दिसंबर 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक ऐसा दिन जब कांग्रेस टूटकर दो टुकड़ों में बट गई गर्मपंथी नरमपंथियों से अलग हो गए इस तरह अंग्रेजों की कुरीतियों से कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई इसके बाद क्या हुआ अगले अंक में जानेंगे धन्यवाद डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट channels फ्रॉम योर मोबाइल ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द channels. for more videos please subscribe to this channel positive atheism and activate the bell icon